एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के पुणे शहर से, जहां एक अफवाह के चलते पूरे शहर में तनाव का माहौल बन गया है। दरअसल देर रात किसी ने अफवाह फैला दी कि पुणे स्थित शेख सलाह दरगाह में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। फैलाई गई अफवाह में दावा किया गया कि दरगाह अवैध है, जिसे तोड़ा जाएगा। इस अफवाह के फैलते ही देर रात सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए। शहर के पुणेश्वर के पास एक अफवाह के कारण यह भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और देर के लिए अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार और निगम के अतिक्रमण प्रमुख माधव जगताप ने बताया कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है और ना ही इसको लेकर कोई योजना है। पुलिस के समझाने बुझाने के बाद लोग शांत हुए। पुलिस ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सीपी अमितेश कुमार ने कहा कि जिसने भी अफवाह फैलाई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल मौके पर पुलिस तैनात है। पुलिस लगातार शहर में गश्त कर रही है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। परिस्थिति नियंत्रणात आहे। काही अशा अफवा पसरला होता की काही कारवाई तिथे होता है, अशा कोणताही कारवाई आज आता होत नाही हे सूचना सर्वांना देण्यात आलेली आहे। हळूहळू क्राउड कमी होत आहे, आपापले भागात लोक जात आहे। मला विश्वास आहे सगळे शांत होईल। पुलिस आवश्यक संख्येमध्ये आहे, आम्ही लोकांना आवाहन करत आहे की लोकांनी शांतता ठेवावी। अफवा काही लोकांनी हेतू परस्पर काहीतरी अफवा पसरवला होता, ज्यांच्यामुळे ही क्राउड इथे जमली अशा दिसते। पुणे पोलिसांकडून शहरात शांतता राहतील यासाठी सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहे। मला जनताशी आवाहन आहे की पोलीस प्रशासनावर आपण विश्वास ठेवावी आणि कोणी कायदा हातात घेण्याचे प्रयत्न केला त्यांच्यावर अत्यंत कडक कारवाई होईल। काही अफवा पसरण्याची काही प्रयत्न झाली त्यांच्यावर पण अत्यंत कडक कारवाई होणार आहे। पोलीस दल पूर्णपणे सुसज्ज आहे। शहरात कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहील यासाठी आम्ही पूर्ण प्रयत्न करीत आहे।